Friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the GATE 2017 question paper solution based on a data structure and algorithm. Jitne bhi data structure and algorithm se 17 mein papers mein aaye the, wo sare questions hum detail mein yahan pe discuss karenge. In previous videos, I have already completed 2018, 2019 and 2020 GATE paper based on a data structure and algorithm. Now, question number first is, consider the recurrence relation. Recurrence relation hume given hai. और जो recurrence relation हमें given है, वो recurrence relation है t of n equals to 2t under root n plus 1. This is a recurrence relation. इस recurrence relation को हमें solve करना है. अब इस recurrence relation को हम substitution method से भी solve कर सकते हैं, master theorem से भी solve कर सकते हैं. क्योंकि हम gate के लिए इस question को solve कर रहे हैं, हम university exam के लिए solve नहीं कर रहे हैं. तो हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम कम से कम टाइम में इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर लें. तो इस तरह के रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जहां पर अंडर रूट वाले क्वेश्चंस हैं, वो मैं मास्टर थ्योरम से ऑलरेडी सॉल्व करवा के बता चुका हूं. तो प्लीज वॉच माय एल्गोरिथम रिलेटेड वीडियोस. यदि आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, वहां पे 3-4 एग्जांपल मैंने दिए. जो अंडर रूट n से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मास्टर थ्योरम की जो फॉर्म होती है, सबसे पहले हम देखें कि मास्टर थ्योरम की जो इक्वेशन होती है, वो होती है t ऑफ n इक्वल्स टू at n by b plus f of n. This is the equation of master theorem, where a should be greater equals to 1 and b should be greater than 1 and f of n should be positive function. But is question is recurrence relation ko aap dekh rahe hain, to yahan par aapka divide mein base mein b ki koi bhi value nahi hai jo ki greater than 1 hona chahiye. To aap sabse pehle is recurrence relation ko is form mein convert karenge. To is फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने दो स्टेप्स यहां पे लिखे. बहुत सिंपल है. इस तरह से यदि आप मास्टर थ्योरम को सॉल्व करेंगे, तो मास्टर थ्योरम से इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 में हम ये कहते हैं कि अज्यूम, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि n upon 2 to the power k जो है equals to 1. ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं. तो यहां पे यदि आप देखें तो n equals to क्या हो गया आपका 2 to the power k. यदि मैं log ले लूं बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो यहां पे हो गया log n और यहां पे हो गया k. इफ बेस इज 2, तो ये k की वैल्यू आपके पास में आ गई, व्हिच इज अ log n. अब हम क्या करेंगे, जहां-जहां n है वहां-वहां 2 टू द पावर k यहां पे पुट कर देंगे, क्योंकि n की जगह मैं 2 टू द पावर k रख सकता हूं. तो यहां पे हो गया t, n की जगह आपने रखा 2 टू द पावर k इक्वल्स टू 2t, n की जगह आपने रखा 2 टू द पावर k, तो ये 2 टू द पावर k और अंडर रूट n है, मतलब n टू द पावर 1/2, तो ये क्या हो गया आपका 2 टू द पावर k बाय 2 प्लस 1. अभी भी यदि आप देखें तो ये रिकरेंस रिलेशन आपका के बेस में b की कोई भी वैल्यू अभी तक नहीं आए. तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर यहां के एक और स्टेप लेंगे, स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में क्या हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम कि जो t 2 टू द पावर k है इक्वल्स टू हम कोई भी s of k, s ले लें, a ले लें, y ले लें, whatever कुछ भी ले लें, s of k हम assume कर रहे हैं. तो इस equation में आप क्या करें, जहां जहां t 2 to the power k है वहां पे s of k यहां पे put कर दो. So 2, t 2 to the power k की जगह आपने रखा s of k, divide में यदि आप देखें तो ये 2 है, basic mathematics है ये यहां पर आपका. तो t 2 to the power k की जगह s of k आ गया, divide में 2 है तो ये 2 आ गया. This is a simple mathematics. नाउ अब इसको सॉल्व करें आप, यदि आप देखें तो डिवाइड में 2 आ गया, व्हिच इज ग्रेटर देन 1. सो आप इसको सॉल्व करें, सो a इक्वल्स टू 2 मिल गया, b इक्वल्स टू आपके पास 2 मिल गया, f ऑफ k क्योंकि k के टर्म्स में है तो आपके पास में 1. नाउ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें. इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग मास्टर थ्योरम. k टू द पावर log a बेस b, a की वैल्यू कितनी है 2, बेस में वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना बन गया k, क्योंकि log में log की वैल्यू और बेस में वैल्यू है तो वो हो जाता है 1. तो k, इस k को यदि आप कंपेयर करें g of n, दिस इज g of k, g of k को f of k से कंपेयर करें, तो व्हिच वन इज ग्रेटर, k इज ग्रेटर. सो s of k इक्वल्स टू आपके पास में क्या आ गया यहां पे k. अब यदि आप देखें तो s of k को क्या अज्यूम किया था आपने, आपने अज्यूम किया था t 2 टू द पावर k equals to k, और 2 to the power k को क्या लिया था आपने, n, तो ये n के terms में question आ गया, और k की क्या value आपने find out कर ली, log n, तो ये log n हो गया. So theta log n is the correct answer for this recurrence relation. So option B is correct.
Next question is, the breadth first search algorithm has been implemented using the Q data structure. Basically, आपको BFS given है यहाँ पे, breadth first search algorithm. So, जब BFS given है, breadth first search algorithm, जो कि implement किससे हो रहा है आपका Q data structure से. One possible order of visiting the node of the following graph. इस graph को visit करने का कौन सा हमारा order होगा? So graph को traverse करने के लिए we have a two algorithms. One is called the BFS and second one is called the DFS. VFS को आप Q data structure से implement करते हैं, DFS को आप stack data structure से implement करते हैं. जब भी हम इस तरह के questions को करें, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी vertices से visiting start कर सकते हैं. तो हमें ऑप्शंस को दिमाग में रख के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा. अब ऑप्शंस में मैं सबसे पहले वो वाले ऑप्शन सबसे पहले चूज कर लूं जिसमें आपके पास स्टार्टिंग वर्टाइसेस सिमिलर मिल रहे हैं, ताकि हमें यदि उन दोनों में से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है तो बेस्ट रहेगा, वो हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऑप्शन सी से. सो ऑप्शन सी से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पर आपको क्या करना है बीएफएस में, क्योंकि क्यू से इंप्लीमेंट करते हैं तो क्यू के अंदर क्या करते जाना है, फर्स्ट नोड को आपको पुट इंसर्ट कराते जाना है. तो हमने क्यू को इंसर्ट करा दिया क्यू डेटा स्ट्रक्चर में, दिस इज अ क्यू. अब जब आप क्यू में इंसर्ट कराएंगे इसको तो फिर से क्या करेंगे, फ्रंट रियर से इंसर्शन परफॉर्म होता है, फ्रंट से डिलीशन परफॉर्म होता है. तो क्यू को आप डिलीट कर लें क्योंकि इसको आप विजिट कर चुके हो. क्यू को जैसे ही आपने डिलीट करा, जिसको भी डिलीट करते हैं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम उसके जो भी नेवर्स हैं उनको आप क्यू में इंसर्ट कराते हैं. और कब तक करते जाते हैं, जब तक कि वो आपका एम्प्टी ना हो जाए. सो इसके नेवर्स देखें आप, एम है, एन है, पी है. तो मैं क्या करूं, ऑप्शन सी को हम चूज कर रहे हैं तो सबसे पहले एम आना चाहिए क्योंकि क्यू का प्रिंसिपल जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाएगा वो सबसे पहले ही आएगा. सो एम हमने सबसे पहले इंसर्ट करा और उसके बाद में दूसरा नेवर क्या है, एन, एन इंसर्ट करा दिया क्योंकि थर्ड नंबर पे एन है. देन आपने उसके नेवर पी को इंसर्ट करा दिया. अब आपने Q को यहां से बाहर निकाला, देन M को आप यहां से पॉप आउट बाहर करें, डिलीट करें. M को जैसे ही डिलीट करा, M के नेवर्स देखे तो N है, Q है, R है. N और Q आपका ऑलरेडी आ चुका है तो R यहां पे अब आपका आ जाएगा. जैसे ही आपका R यहां पे Q में आ गया, अब आप नेक्स्ट N को यहां से पॉप करें. N को जैसे ही आपने डिलीट करा, जैसे ही डिलीट करा मतलब डी क्यू करा, तो N के जस्ट नेवर्स जो भी हैं, M है, Q है, O है, तो M और Q ऑलरेडी Q में आ चुके हैं तो O आपके Q में आ जाएगा. ये O आपके Q में आ चुका है. अब फिर से आप P को डिलीट करें तो N के बाद में P को आपने डिलीट करा. अभी तक यदि आप ऑर्डर मेंटेन करें तो यहां तक ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है. P को देखें आप, P के नेवर्स देखें तो P के नेवर्स हैं O और Q जो कि ऑलरेडी आपके Q के अंदर आ चुके हैं. देन डिलीट करें, नेक्स्ट वन इज R, R को डिलीट करा, यहां से R डिलीट करा तो इस ऑप्शन में आपका R आ रहा है, इस ऑप्शन में नहीं आ रहा है. तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया. नाउ उसके बाद में R के बाद में R के नेवर्स देखे, R के नेवर्स M है जो ऑलरेडी Q में आ चुका है, तो आप O को डिलीट करेंगे, Q आपका एम्प्टी हो गया, O के नेवर्स ऑलरेडी यहां पे Q में आ चुके हैं. तो दिस इज द प्रॉपर सिक्वेंस, विजिटिंग सिक्वेंस ऑफ द BFS ट्रेवर्सल. तो ऑप्शन C इज करेक्ट. अब आप इनको भी चेक करके देख सकते हैं, इट मे बी किसी पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी पर जाके इस नोट को जब सिलेक्ट करेंगे तो आगे जाके सीक्वेंस मैच नहीं खा रहा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शन. हमें सी फंक्शन गिवन है, इंट फन नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू है. इंट आई और जे दो वेरिएबल हमने यहां पे ले रखे हैं. आई का लूप चल रहा है आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन तक, और एक इनर लूप है जे का जो कि लेस देन एन तक चल रहा है. और यहाँ पे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट कॉल है जिसमें आई और जे की वैल्यू यहाँ पे आप प्रिंट आउट प्रिंट कर रहे हैं. हमें बेसिकली इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन के अंदर ये बताना है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फन इन टर्म्स ऑफ थीटा नोटेशन इज. इन चार ऑप्शन में से इस पर्टिकुलर फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है. अब इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करें तो सबसे पहली चीज आप लूप को यहां पे एग्जीक्यूट करें, एन की कोई वैल्यू आप एज्यूम कर लें. तो लेट अस एज्यूम एन इक्वल्स टू, हम यहां पे लेकर चल रहे हैं 10. एन 10 ले लें, 5 ले लें, 15 ले लें, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है. यदि सीरीज बनानी और सीरीज बन गई तो आप कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं. एन की वैल्यू जैसे ही आपने 10 ली यहां पर, आई की वैल्यू स्टार्ट करें हम आई इनर आउटर लूप से, आई इक्वल्स टू 1. क्या 1 इज लेस देन 10 है? यस, कंडीशन ट्रू. कंडीशन ट्रू तो आप इनर लूप पर आ गए. जैसे ही आप इनर लूप पर आए तो जे इक्वल्स टू 1. क्या 1 लेस देन 10 है? यस, कंडीशन ट्रू. कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करेंगे, अंदर आएंगे. जे की वैल्यू इस केस में कितनी है हमारी 1.
अंदर आएंगे और अंदर आके आप क्योंकि परसेंटेज डी है तो प्रिंट कर देंगे आई और जे की वैल्यू। आई और जे की वैल्यू क्या हो गई आपकी, वन और वन, ये प्रिंट कर दिया। नाउ जे इंक्रीमेंट करेंगे आप, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। और याद रखना है एक चीज, आप यदि इस क्वेश्चन को प्रॉपरली यदि दिमाग से देख पा रहे हैं तो j इक्वल्स टू j प्लस आई है ना कि 1। यदि j इक्वल्स टू j प्लस 1 होता मतलब इंक्रीमेंट होता, हम डायरेक्टली कह देते द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थीटा ऑफ एन स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन हमने करे हैं। बट यहां पे क्योंकि i है, i की वैल्यू और j की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये, तो आपको क्या करना है यहां पे आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। तो जे इक्वल्स टू जे प्लस आई, जे इक्वल्स टू जे प्लस आई मतलब यहां पे वैल्यू क्या हो गई आपकी 2, तो 1 प्लस 1 2, तो जे की वैल्यू कितनी आ गई अब 2। 2 जैसे ही जे हुआ, 2 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो आई की वैल्यू और जे की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी। नाउ यहां पे इनको सम किया तो जे इक्वल्स टू जे प्लस आई 3 हो गया, तो जे इक्वल्स टू 3, तो 3 को आपने चेक किया तो 1 और क्या आ गया यहां पे 3 प्रिंट हो गया। फिर से आपने चेक किया तो जे आपका 4 हुआ, जे 4 हुआ तो 1 4 प्रिंट करा। जे आपका जैसे ही 5 हुआ तो क्या प्रिंट किया, 1 और 5 प्रिंट किया। जे जैसे ही आपका 6 हुआ, जे आपका जैसे ही 6 हुआ 1 और 6 प्रिंट करा, एंड सो ऑन। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो जे की वैल्यू आपकी 9 होगी तो 1 और 9 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही जे आपका 10 हो जाएगा, 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप कहां पे चले जाएंगे, आप फिर से आउटर लूप पर चले जाएंगे। जैसे ही आप आउटर लूप पे जाएंगे आई बिकम्स 2, आई 1 से क्या हो गया 2। अब आप पहले इसको एनालाइज करें कि आई की वैल्यू 1 वैल्यू के लिए जे के अंदर जो आपका प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो कितने टाइम्स कॉल हुआ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल n माइनस 1 9 टाइम्स तक कॉल हुआ। इट मींस यदि यहां पे आपने n की वैल्यू 10 ली तो वो 9 टाइम्स तक कॉल हुआ, मतलब यदि n की वैल्यू n होती तो n टाइम्स तक, n माइनस 1 है हम n एज्यूम करके चल रहे हैं, तो n तक कॉल हुआ। नेक्स्ट अब i की वैल्यू 2 के लिए अपन चेक करें, i की वैल्यू 2 के लिए आप चेक करें। अब मैंने यहां पे n की वैल्यू 10 ली है, आप 5 लेकर भी 4 लेकर भी सॉल्व करेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने 10 इसलिए लिए ताकि आपको हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हो कर पाऊं। नाउ n इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 10 है तो फिर से हमने कंडीशन चेक की, 2 i की वैल्यू 2 हुई, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आ गए, अंदर आए तो j इक्वल्स टू 1, j 1 है तो i की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, i की वैल्यू हो गई 2 और 1, क्योंकि i की वैल्यू 2 प्रिंट एफ में और j की वैल्यू 1, ऊपर गए तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, क्या 3 इज लेस देन 10 है, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो 2 और 3 प्रिंट कर दिया। 2 और 3 का सम करा तो 5 हुआ, क्या 5 लेस देन 10 है, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो यहां पे 2 और 5 आ गया। 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, 7 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू, 2 और 7, यस कंडीशन ट्रू तो 2 और 7 कितना हो गया 9, 9 फिर से कंडीशन चेक करी, क्या 9 इज लेस देन 10 है, यस कंडीशन ट्रू तो 2 और 9 फिर से देखा तो 2 प्लस 9 कितना हो गया 11, क्या 11 लेस देन 10 है, नो कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप वापस पे आपने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, i बिकम्स 3। यदि इसको आप चेक करें तो अब ये i जब 2 था तो i आपका कितने बार चला, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 टाइम्स तक आपका ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट कॉल हुआ, मतलब आपके पास n की वैल्यू 10 थी तो 10 का हाफ टाइम तक ये चला, तो n by 2 प्लस। नाउ n i equals to 3 के लिए चेक करें, क्या 3 is less than 10 है, yes condition true, condition true तो अंदर आ गए, अंदर आए तो j equals to 1, 1 is less than 10, yes condition true तो i और j की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो i की वैल्यू 3 हो गई, j की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, प्रिंट कर दिया। नाउ 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 क्या लेस देन 10 है, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो यहां पे प्रिंट कर दिया 3 और 4, 3 प्लस 4 कितना 7, क्या 7 लेस देन 10 है, यस कंडीशन ट्रू तो 3 और 7 प्रिंट हो गया आपका। 7 प्लस 3 कितना 10, 10 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप ऊपर चले गए, i बिकम्स 4। नाउ आप देखें i की वैल्यू 3 के लिए स्टेटमेंट कितने बार चला, 3 टाइम्स, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 3 लगभग 3 टाइम्स, मतलब n बाय 3, n बाय 3। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो n by 3, n by 4 एंड सो ऑन, ये चलेगा आपका n by n टाइम्स तक। जब आप इसको में से n को कॉमन ले लेंगे यहां से तो यहां बचेगा 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस एंड सो ऑन। यदि इसको सॉल्व करेंगे आप तो n इस सीरीज को जब आप सॉल्व करेंगे सो ये आएगा log n, सो द आंसर इज थीटा n log n, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर
for this recurrence relation. So option C is correct. Next. Now next question is match the algorithm with their time complexity. Time complexity is हमें कुछ given है और कुछ algorithms हमें given है, इसको हमें match out करना है. Now इसमें हम देखें tower of NOI से related पूछा है, binary search से related पूछा है, heap shot से related पूछा है और addition of two matrices से related पूछा है. तो सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे binary search algorithm. तो क्योंकि binary search algorithm की time complexity हमें बहुत easily पता है, binary search algorithm की जो time complexity जब n shorted elements हमें already given है. यहाँ पे ध्यान देना इस question पे कि binary search given n shorted elements already given है, आपको shorting करने की जरूरत नहीं है और binary search algorithm तभी apply होती है जब elements is already shorted. तो इस case में binary search gives the theta of log n time complexity. So, ये हो गया हमारा किससे, इसकी मैचिंग हो गई. मतलब Q के लिए यदि आप ऑप्शन देखें तो 4, Q के लिए ऑप्शन यदि आप देखें तो 4, तो Q के लिए 4 ऑप्शंस में आपके पास एक ये भी ऑप्शन आ गया और Q के लिए 4 में आपके पास एक C ऑप्शन भी आ गया. ये दोनों आपके गलत हो गए, ये दोनों आप नेगलेक्ट कर दें. नाउ आप 50% आप 50-50 आपके पास चॉइस बची. Now next one is addition of two matrices. हमें बहुत अच्छे से पता है कि addition of two matrices की बात करते हैं तो उस केस में जो टाइम लगता है आपका theta of n square लगता है, क्योंकि addition of two matrices से related हमने programs भी देखे हैं, उसमें आपको theta of n square में आप कोई भी दो matrix का addition perform कर सकते हैं. तो S की यदि अपन बात करें तो S का time हो गया आपका 1. तो S के लिए क्या आ गया, 1. S के लिए 1 आपके पास एक ही option में है, which is a third option. इसके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं यहां पे, क्योंकि हीप शॉट की बात कर रहे हैं, n नंबर एट द वर्स्ट केस की यदि अपन बात कर रहे हैं तो हीप शॉट थीटा ऑफ n log n टाइम देता है, क्योंकि हीप शॉट को इंप्लीमेंट करने के लिए n टाइम लगता है और उसके अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इट टेक्स log n टाइम. सो हीप शॉट के लिए आपके पास ये टाइम आ गया. सो s के लिए यदि अपन जाएं तो ये हो गया. उसके बाद टावर ऑफ एनोई, क्योंकि हमें पता है रिकर्जन का एप्लीकेशन है ये, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ रिकर्जन व्हिच गिव्स द थीटा ऑफ 2 टू द पावर एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन इज अ सर्कुलर क्यू हैज बीन इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट वेयर ईच नोड कंसिस्ट ऑफ अ वैल्यू एंड अ सिंगल पॉइंटर पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड. बेसिकली आप सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट को सर्कुलर क्यू को सिंपल लिंक्ड लिस्ट से आप इंप्लीमेंट कर रहे हो. तो मैं यहां पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट सपोज ये हमारे पास में नोड 1 है, ठीक, दिस इज द नोड नंबर 1. इस नोड नंबर 1 को हमें यहां पे कनेक्ट कर दें दूसरे नोड से, तीसरे नोड से और यहां पे चौथे नोड से हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया. क्योंकि हमें लिंक्ड लिस्ट की डेफिनेशन पता है कि लिंक्ड लिस्ट हमसे ये कहता है कि लिंक्ड लिस्ट में आपके पास दो फील्ड होती है, वन इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन पार्ट, सेकंड वन इज कॉल्ड द एड्रेस पार्ट. लेट सपोज इसका कुछ ना कुछ एड्रेस है, इस नोड का 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है, इसका 400 है. नाउ यहां पे क्योंकि ये नेक्स्ट वाले का एड्रेस कंफर्म कर रखेगा, क्योंकि हम सर्कुलर क्यू की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर क्यू और सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, जो लास्ट नोड का एड्रेस है, मतलब लास्ट नोड पे फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, यहां पे नल वैल्यू नहीं होती. तो यहां पे 100 आ गया, यहां पे 200 आ गया, यहां पर आई दे दी आप देखें तो ये 300 आ गया, यहां पर देखें तो ये 400 आ गया. नाउ अब हम क्वेश्चन को फिर से रीराउट करें. सर्कुलर क्यू हैज बीन इंप्लीमेंटेड हमें कर रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट से, जिसमें आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट में वैल्यू है और नेक्स्ट पॉइंटर है. वी मेंटेन एग्जैक्टली टू एक्सटर्नल पॉइंटर, एक को बोला फ्रंट एक को बोला रियर. रियर एंड से ऑलवेज इंसर्शन परफॉर्म होता है तो ये रियर एंड हो गया. फ्रंट एंड से ऑलवेज डिलीशन परफॉर्म होता है तो ये आपका फ्रंट एंड हो गया, क्योंकि हमें सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो बेसिक प्रिंसिपल आपका सर्कुलर क्यू का ही लगेगा. और सर्कुलर क्यू में ये है फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, बट जो भी है कि लास्ट वाले नोड को एक्सेस कर सकते हैं. सिंपल क्यू का जो ड्रॉबैक था वो ओवरकम किया हमने सर्कुलर क्यू से. फ्रंट एंड रियर ऑफ द क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट फॉर सच ए सर्कुलर क्यू सो दैट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ऑर्डर ऑफ वन और ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, मतलब कॉन्स्टेंट टाइम में आप इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए आपके पास दो स्टेटमेंट गिवेन है. दो स्टेटमेंट जो गिवेन है और ऑप्शन हमें गिवेन है कि चारों दोनों सही है या दोनों में से एक सही है, दोनों गलत है या दोनों, ये आपके पास चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन, नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ फ्रंट नोड, फ्रंट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर, ये हम फ्रंट नोड की बात कर रहे हैं, दिस इज अ फ्रंट नोड, इसका नेक्स्ट पॉइंटर
पॉइंट टू द रियर नोड, क्या इस फ्रंट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है मतलब 200, यहां पर क्या हमारे रियल नोड का एड्रेस रखा हुआ है 400? नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो आपका पहले ही गलत हो गया। यदि आपके पास में सिर्फ एक नोड होता, वही फ्रंट और वही रियर होता, और उसके जस्ट नेक्स्ट में कोई एक और नोड होता, सपोज आपके पास टू नोड्स हैं, ये दो नोड हैं, ये आपका फ्रंट है, ये आपका रियर है, तो यस इस केस में हम बोल सकते थे दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि जो फ्रंट नोड है उसने रियर नोड के एड्रेस को यहां पे रख रखा है। बट क्योंकि हमारे पास यदि मोर देन टू नोड्स होंगे तो उस केस में ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ रियर नोड पॉइंट टू द फ्रंट नोड, रियर नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है क्या फ्रंट नोड को पॉइंट कर रहा है? यस। और क्या हर एक पॉसिबिलिटीज हर एक केस में ये ऐसा होगा? यस। यदि आपके पास दो नोड हो, तीन नोड हो, वट एवर कितने भी नोड हो, रियर का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो आपका फ्रंट को ही पॉइंट करेगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो दोनों काम है आप कॉन्स्टेंट टाइम में कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि रियर से डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट टाइम में इस नोड को आप डिलीट कर सकते हैं, सॉरी रियर से इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट टाइम में इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट टाइम में ही आप क्योंकि फ्रंट से डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट टाइम में ही डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैसेज इज मेड अप एंटायरली ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द सेट x इक्वल्स टू PQRST, द टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच कैरेक्टर इज शोन बिलो। प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है हर एक टेबल में हर एक कैरेक्टर की। अ मैसेज ऑफ 100 कैरेक्टर ओवर x इज एनकोडेड यूजिंग द हाफ मीन कोडिंग। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द हाफ मीन कोड, मतलब ग्रीडी अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन है। Then the expected length of the encoded message in bits is, हमें expected length बतानी है encoded message के 100 characters को हम transfer कर रहे हैं। तो half min code से related मैंने videos बना रखे हैं। Half min coding का purpose है हमारा data compression technique है ये। From source to destination आप data को transfer करते हैं। जब आप source to destination data को transfer करते हैं तो आप उस डेटा को कंप्रेस करके भेजते हैं ताकि नंबर ऑफ बिट्स आपकी कम हो। बिट्स कम होगी तो चैनल पर ट्रैफिक कम होगा, ट्रैफिक कम होगा डेफिनेटली कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी। नंबर ऑफ बिट्स आप कम भेजेंगे तो चैनल की कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी। दैट्स व्हाई दिस इज द ग्रीडी एल्गोरिथम। सो इसमें हमें क्या करना है कि जो कंप्रेशन करना है, डेटा कंप्रेशन करना है, वो आपका ऑप्टिमल एल्गोरिथम है ये हाफ मैन कोडिंग। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स की फ्रिक्वेंसीज गिवन है, प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है, उनमें से दो मिनिमम आपको चूज करना है। बेसिकली मिन हीप और मिनिमम प्रायोरिटी हीप से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। उन दो मिनिमम को चूज करने के बाद में दोनों का सम करके थर्ड नोड में स्टोर करना है और सम को फिर से मिन प्रायोरिटी में डाल देना है और फिर से दो मिनिमम आपको चेक करते जाना है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ मैं यहां पर सबसे पहले दो मिनिमम वैल्यूज पिकअप करता हूं। तो दो मिनिमम आप देखो तो एक टी आपके पास मिनिमम हो गई और एक सेकेंड वन इज आर मिनिमम हो गया। तो यहां पर हमने वैल्यू ले ली, यहाँ पे ले ली जो अच्छा। देखिए आप लेफ्ट में आप छोटा रख सकते हैं, राइट में बड़ा रख सकते हैं, लेफ्ट में आप बड़ा रख सकते हैं, राइट में छोटा रख सकते हैं, ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कहीं पे भी किसी को भी स्टोर कर सकते हैं, बट पूरी ट्री ऑनवर्ड्स आपको सेम प्रोसीजर यूज करना है जो भी आप एजम्पशन लेंगे। नाउ मैं टी मतलब टी की वैल्यू है 0.08, इसको मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्योंकि 0.17 मेरा ग्रेटर है तो मैं राइट में ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास में टी हो गया, 0.17 मेरे पास में आर हो गया। इन दोनों का आपको सम करना है। दोनों का सम जब करोगे आप तो दोनों का सम आपका इस नेक्स्ट नोड पे इंटरनल नोड पे स्टोर होगा। जब आप इस दोनों का सम करेंगे तो सम आएगा 0.25। दिस इज अ सम। 0.25 को आप मिन प्रायोरिटी क्यू के अंदर मिनिमम हीप के अंदर फिर से स्टोर करेंगे, फिर से दो मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, दो मिनिमम देखेंगे तो इसमें 0.19 आपका एक मिनिमम है और 0.22 मिनिमम है। तो 0.22 और 0.19 दो मिनिमम है, इन दोनों का सम करेंगे तो इससे ग्रेटर आएगा। तो मैं इन दोनों को यहां पे लेकर चल रहा हूं। एक है मेरे पास में क्या है 0.22, दूसरा है 0.19। सो 0.19 इज लेस एज कंपेयर टू 22, सो 0.22 आपने यहां पे ले लिया। इन दोनों को जब आप सम करोगे तो इंटरनल नोड पे इन दोनों का सम आएगा। जब इन दोनों को सम करोगे सम इज 0.41 जो सम आया आपके पास,
वो सम को फिर से आप इस मिन प्रायोरिटी क्यू के अंदर स्टोर कर दोगे। जैसे ही स्टोर करोगे दो मिनिमम फिर से फाइंड आउट करोगे, तो दो मिनिमम आप देखोगे तो 0.25 और 0.34 आपके दो मिनिमम है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। 0.25 आपका यहाँ पे है ही है, 0.34 आप यहाँ पे ले लेंगे 0.34। नाउ 0.34 लेने के बाद में इनका सम अप करेंगे, जब दोनों का सम करेंगे आप तो सम आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे सम आ जाएगा 0.59 इज द सम। यहाँ पर 0.9 था आपका एस, 0.22 था आपका, 0.22 था आपका पी। नाउ इन दोनों का जब सम करा तो ये आया। नाउ यहां से ये भी चला गया, आपके पास क्या बचा, सिर्फ 0.41 और 0.59। इन दोनों को सम करो, इन दोनों को सम करोगे तो आप सम कितना आ गया, 1। नाउ ये आपकी ट्री बन गई। अब ट्री जो आपकी बनी है उस ट्री में लेफ्ट हैंड साइड पे आप एनकोडिंग कर दें 0 0 से और राइट हैंड साइड में 1 1 से कर दें, या आप राइट में लेफ्ट में 1 से कर दें राइट में 0 से कर दें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट जो भी अजम्पशन लें लेफ्ट और राइट के लिए ए की लेकर चलें। नाउ अब लेंथ फाइंड आउट कर लें, अपन लेंथ फाइंड आउट कर लें तो पी की लेंथ अपन निकाल लें, तो पी तक पहुंचे, रूट नोड से पी तक पहुंचने के लिए आपके पास लेंथ क्या हो गई, 1 और 1, इसकी कोड ये बन गया। क्यू के लिए देख लें तो क्यू हमारा कहां पे है, यदि आप 0.34 देखें तो दिस इज अ क्यू, तो क्यू क्या हो गया आपका 0 और 1। नाउ पी क्यू आर की अभी बात करें तो आर यहां पे है तो 0 0 1, आर की लेंथ 0 0 1। एस पे आ जाए, पी क्यू आर एस, एस कहां पे आपका, यहां पे तो 1 0, ये 1 0। टी पर आ जाए, टी क्या हो गया आपका 0 0 0, ये टी की आपकी एनकोडिंग हो गई 0 0 0। अब क्या पूछा उसने, टोटल लेंथ पूछी है उसने, तो लेंथ निकाल लें अपन, टोटल लेंथ। जब आप टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे सो टोटल लेंथ में आप क्या करते हैं, जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ उसकी लेंथ से। पी की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, 0.22 मल्टीप्लाई बाय, इसकी लेंथ कितनी हो गई 1 1 की 2 प्लस। नेक्स्ट क्यू की 0.34 मल्टीप्लाई बाय, लेंथ कितनी हो गई 2 प्लस। आर पे आ जाए आप, 0.17 मल्टीप्लाई बाय, आर की लेंथ कितनी है 3, सो 3 प्लस। एस पे आ जाए आप, एस क्या है 0.19 मल्टीप्लाई क्या हो गया 1 0, मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई 2, सो दिस इज बेसिकली 2। नाउ प्लस लास्ट वन इज 0.08, लेंथ कितनी हो गई इसकी 3। जब आप इसको टोटल करेंगे सो 2.25 आएगा, ये हो गई आपकी। अब आप 100 कैरेक्टर्स के लिए निकाल रहे हैं तो 100 कैरेक्टर के लिए ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, सो ये हो गया 225 इज दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वन इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर गेट 2017 फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। द क्वेश्चन इज द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री इज गिवन, हमें बाइनरी सर्च ट्री का प्री ऑर्डर गिवन है। देन द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री हमसे पूछा है कि इसमें से पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इस तरह से क्वेश्चन हर बार गेट एग्जाम में आया है, और 18 में भी हमने सॉल्व करके बताया, 19 में भी करके बताया, 20 में भी करके बताया, 17 में भी मैं करके बता रहा हूँ, और ऑलरेडी इससे रिलेटेड 5-6 वीडियोज भी हमारे ऑलरेडी पब्लिश्ड है। नाउ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें गिवन है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम, तो सॉल्व करने के लिए आप इस तरह के क्वेश्चन में यहां पर आप सबसे पहले प्री ऑर्डर जो गिवन है वो लिख लो। सो प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर हमारे पास में कितना है, 12 8 6 2 7 9 10 16 15 19 17 and 20, दिस इज अ प्री ऑर्डर। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री आपको गिवन है, सो बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, यदि बाइनरी ट्री गिवन होती तो आपको इन ऑर्डर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी, विदाउट इन ऑर्डर आप कोई थर्ड ऑर्डर नहीं फाइंड आउट कर सकते। बट बाइनरी सर्च ट्री है तो बाइनरी सर्च ट्री में हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री का जो इन ऑर्डर होता है वो ऑलवेज आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है, मतलब शॉर्टेड एलिमेंट्स होते हैं। तो शॉर्टेड एलिमेंट्स हैं तो इन ऑर्डर यदि अपन बात करें तो इसमें मिनिमम एलिमेंट कितना है 2, सो 2 आ गया। देन उसके बाद में आप देखें तो नेक्स्ट मिनिमम इज 6, तो 6 आ गया। नेक्स्ट मिनिमम की यदि अपन बात करें तो 7 7 आ गया। नेक्स्ट मिनिमम 8 8 आ गया। नेक्स्ट मिनिमम 9 9 आ गया। नेक्स्ट मिनिमम 10 10 आ गया। नेक्स्ट मिनिमम 9 के 10 के बाद में आपका 11 नहीं है, यहाँ पे 12 है, सो 12 आ गया।
13 यहां पर नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, देन 16 है, देन 17 भी है, देन 18 नहीं है, 19 है और 20 है. सो टोटल ये हमने एलिमेंट्स यहां पे इन ऑर्डर यहां पे लिख लिया. इन ऑर्डर कितने हैं, 2 4 6 8 10 12. सो 2 4 6 8 10 12 टोटल 12 एलिमेंट्स हमारे पास में है. दिस इज द इन ऑर्डर. अब जब प्री ऑर्डर गिवन है और इन ऑर्डर हमें पता चल गया, और प्री ऑर्डर में हमें यह पता है कि जो भी फर्स्ट नोड होगा प्री ऑर्डर में वो ऑलवेज आपका क्या होगा, वो ऑलवेज आपका रूट नोड होगा. यदि पोस्ट ऑर्डर होता तो जो लास्ट नोड होता वो रूट नोड होता. ये तीनों एल्गोरिथम्स हैं. इन ऑर्डर में जो 12 है वो कहीं ना कहीं इन बिटवीन आपको मिल जाएगा. तो ये आपने 12 देख लिया. जैसे ही 12 आपने फाइंड आउट कर लिया, 12 के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें, 2 6 7 8 9 और 10. जो 12 के राइट में है वो सारे एलिमेंट्स एज इट इज 15 16 17 19 एंड 20 आप राइट हैंड साइड में लिख दें. उसके बाद में क्या करना है, प्री गिवन है तो लेफ्ट टू राइट चलो, पोस्ट गिवन होता तो राइट टू लेफ्ट से क्रॉस करते जाते, 8 8 को क्रॉस करो. 8 को जैसे ही आपने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में आप फाइंड आउट करो 8 कहां है, जहां 8 मिला उसको सर्कल कर दिया. 8 के लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं 2 6 7 लेफ्ट में लिख दिए. 8 के राइट में जो भी एलिमेंट्स हैं 9 10 वो राइट में लिख दिए. फिर से क्रॉस करा 6 तो 6 को आपने सर्कल कर दिया. 6 के लेफ्ट में है 2, 6 के राइट में है 7, ये 2 क्रॉस हो गया, 7 क्रॉस हो गया, इनको सर्कल कर दिया. नाउ 9 पे आए, 9 आपने क्रॉस कर दिया, 9 के राइट में आपका 10 है, 10 को भी क्रॉस कर दिया, सर्कल कर दिया. 16 की बात करें, 16 को क्रॉस कर दिया, 16 के लेफ्ट में कितना है 15, 16 के राइट में 17 19 और 20. सो 15 आपने सर्कल कर दिया, 19 आपने यहां पे सर्कल कर दिया, 19 के लेफ्ट में 17 19 के राइट में 20, 17 को क्रॉस करा है, 20 को क्रॉस किया और सर्कल कर दिया. ये आपके पास ट्री बन गई. यदि ट्री बन गई तो अब इस ट्री से आपको पोस्ट ऑर्डर निकालना बहुत ईजी है. पोस्ट ऑर्डर क्या होता है हमारा, सबसे पहले आप लेफ्ट को विजिट करेंगे, देन राइट को विजिट करेंगे, देन पैरेंट और रूट को विजिट करेंगे. तो सबसे पहले आप लेफ्ट को विजिट करेंगे तो लेफ्ट को विजिट करा 2, राइट को विजिट करा 7, देन इसके पैरेंट को विजिट करा विच इज अ 6, तो 2 7 6. ऊपर गए तो 8 का लेफ्ट विजिट हो चुका है, आपके राइट पे आए, 8 के राइट पे आए तो 9 मिला, 9 का लेफ्ट एब्सेंट है तो 10 पहले विजिट होगा, देन आपका 9 विजिट होगा, देन आपका 8 विजिट होगा. 12 का लेफ्ट विजिट हो चुका है, 12 के राइट पे गए तो 16 मिला, 16 के लेफ्ट पे आए, 16 के लेफ्ट पे आए तो आपको मिला 15, 15 पहले विजिट हुआ, फिर 16 के राइट पे गए, 16 के राइट पे गए तो 19 मिला, तो 19 के लेफ्ट को पहले विजिट करेंगे विच इज अ 17, 19 के राइट को विजिट करेंगे विच इज अ 20, 19 फिर विजिट होगा, देन उसके बाद में 16 विजिट होगा, देन उसके बाद में लास्ट में 12 विजिट होगा. तो ऑप्शन से आप ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पोस्ट ऑर्डर, यदि आपने प्री फाइंड आउट कर लिया तो पोस्ट ऑर्डर जो लास्ट में आपका 12 जो होगा, प्री ऑर्डर 12 है, लास्ट में जो प्री ऑर्डर होगा वही आपका ऑप्शन होगा. तो ए तो आपका खत्म हो गया. अब यहां पे आप चेक कर लें, 2 7 6 10 9 8 15 17 20 19 16 एंड 12, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द गेट 2017 questions paper solution based on a data structure and algorithm. In next video we will discuss about the gate 2016 paper solution. Thank you so much.